सीहोर जिले के रेहटी में विगत 3-4 जनवरी को ग्राम दिगवार निवासी बलियाबाई का रात्रि में 3 लोगों ने घर से अपहरण किया था, जिस पर सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसकी रेहटी पुलिस को सूचना मिली कि वृद्ध महिला को बाबरी घाट तरफ ले जाया गया है। पुलिस द्वारा बाबरी घाट नर्मदा नदी में 4 दिनों तक सर्चिंग कर वृद्ध महिला का शव नर्मदा नदी में पानी में रस्सी से बंधा मिला। पुलिस जांच के बाद मृतक बलियाबाई की सगी बहन का पोता धर्मेंद्र यदुवंशी निवासी बड़ी बाबरी गहनों की लालच में अपनी दादी की बहन को घर से ले जाकर गहने निकाल कर हत्या कर शव को नर्मदा नदी में रस्सी से बांध कर बीच नदी में फेंका था। इस काम को धर्मेंद्र ने अपने 2 दोस्तों दिलीप यदुवंशी नीलेश यदुवंशी के साथ अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी कर गहनों को सोनी की दुकान से बरामद किया है। इस खुलासे में 3 थाने की TI एवं पुलिस जवान शामिल थे। IG ने इस टीम को 30,000 का इनाम देने की घोषणा की है। थाना रेहटी अंतर्गत ग्राम दिगवार से वृद्ध महिला के घर से लापता होने की सूचना उनके परिजनों द्वारा दी गई थी, जिस पर सबूत निशान कायम किया गया था। परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उन्होंने काफ़ी चांदी का जेवर पहना हुआ था, कुछ सोने का भी मंगलसूत्र पहना हुआ था, जिसकी लालच में भी महिला के साथ कोई वारदात घटित हो सकती है। इस पर से तत्काल पुलिस सक्रिय हुई, पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का भ्रमण किया और जो भी अगल बगल के कैमरा वगैरह थे उनसे फुटेज प्राप्त किया। निकटवर्ती फुटेज से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ लोग घर में घुसे हैं और वृद्ध महिला को लेकर अपने साथ में चले गए। इसके बाद विभिन्न दिशाओं में पुलिस टीमें रवाना की गई, मुखबिरों को तैनात किया गया। ये हमें सूचना प्राप्त हुई कि बड़ी बाबरी की तरफ खदान वाले क्षेत्र में मोटरसाइकिल के द्वारा मृतका को लेकर 3 लोग उस तरफ गए हैं। लगातार पुलिस टीमें सर्चिंग कर रही थी, गोताखोरों को बुलवाकर नदी किनारे जहाँ पे जाने की प्रमाण प्राप्त हुए थे, कुछ वहाँ पे रक्त के छींटे भी प्राप्त हुए थे। इस पर से गोताखोरों को बुलवाया गया, नदी में भी सर्चिंग करवाई गई। 2-3 दिन सर्चिंग के बाद जो मृतका का शव है वो नदी से बरामद किया गया। शव बरामद होने के बाद ही पता चला कि जो मृतका को हत्या करके उसके पैरों में जो चांदी के कड़े थे उनको नृशंसतापूर्वक पैरों को फावड़े से कुचल कर उनको अलग करके निकाले गए और शव को नाव के जो लंगर है एंकर उसके रस्से से बांधकर एंकर सहित गहरे पानी में मध्य में जाके छोड़ दिया गया, जिससे कि वो बाहर ना आ सके और हत्या के सबूत नहीं दब जाए। तत्काल जो सभी साक्ष्य थे उनका संकलन करके हमारे के हिसाब से उनका अध्ययन किया गया और दूसरी पूछताछ की गई। उसके बाद हमको ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि मृतका घटना से कुछ दिन पूर्व भीमावर गई थी किसी सामूहिक कार्यक्रम में, वहाँ पर उसके ही पोते ने, उसकी बहन के सगे पोते ने उसको दिखा था। जेवर काफ़ी होने से चांदी के जेवर थे, उसकी नीयत ख़राब हुई थी। उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर ये योजना बना रखी थी। घटना दिनांक से 1 दिन पूर्व भी ये जो होता है ये धर्मेंद्र ये के घर गया था और